हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल यू वाचिंग ए टी वी। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने कुछ इंडिकेटर्स को आपको दिखाया था कि इंडिकेटर्स का क्या काम होता है। वो कलर चेंज करके हमें बताता है कि कौन सा केमिकल का क्या नेचर है, वो एसिड है या बेस है। उनमें से एक इंडिकेटर जिसे हम फिनोफ्थैलिन कहते हैं, उसे इस वीडियो में हम दिखाएंगे। उसका मैजिकल इफेक्ट दिखाएंगे कि वो कलर चेंज करके हमें कैसे बताता है कौन सा मटेरियल, कौन सा केमिकल एसिड है या बेस है। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, जैसे कि पिछले वीडियो में दिखाया था, ये फिनोफ्थैलिन इंडिकेटर है। हम यहाँ पर तीन बीकर रखे हैं, तीनों बीकर में हम पानी को ढाल लेते हैं आधा आधा। ये साधारण पानी है, सबसे पहला जो बीकर होगा उसमें सिर्फ पानी रहने देते हैं और दूसरा बीकर में हम लेमन जूस को डाल देते हैं। जैसा कि लेमन में साइट्रिक एसिड होता है तो ये पानी एसिडिक हो जाएगा, इतना काफी होगा। उसके बाद तीसरे वाले जो बीकर हैं उसमें हम डिटर्जेंट डालेंगे, क्योंकि जो डिटर्जेंट होता है वो बेस नेचर का होता है, इतना काफी होगा। थोड़ा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको पता चल गया, एक में सिर्फ पानी है, दूसरे में लेमन जूस है और तीसरे में डिटर्जेंट है जो कि बेसिक होता है और लेमन जूस एसिड होता है। अब हम फिनोफ्थैलिन को तीनों में काफ़ी सावधानी से डालेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिकेटर के अंदर किसी भी चीज़ को नहीं डुबोते हैं जिससे इंडिकेटर खराब हो सकता है। हमेशा इंडिकेटर से, उसके बॉटल से निकाल करके किसी भी अभिकारक में हम इसे डालकर टेस्ट करते हैं। थोड़ा इंडिकेटर लिए, फिनोफ्थैलिन और वाटर में डाल दिए, कोई सा भी कलर नहीं चेंज हुआ। फिर थोड़ा सा हमने लिया, उसे लेमन जूस में डाल दिया, कोई सा भी कलर चेंज नहीं हुआ। थोड़ा सा फिर फिनोफ्थैलिन लिए हम, काफ़ी ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा लिया हमने और इसे हमने डिटर्जेंट में डाल दिया। आप देख सकते हैं इसका कलर पिंक होता जा रहा है, मतलब ये रेडिश होता जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया था, फिनोफ्थैलिन जो होता है वो पानी में कोई सा भी कलर नहीं बदलता है और एसिड में भी कोई भी कलर चेंज नहीं करता है, वो कलरलेस रहता है। लेकिन जब वो बेस में जाता है तो उसका कलर रेडिश हो जाता है, पिंक हो जाता है। ये कोई सा भी बेस में हम डालेंगे, चाहे वो ज़्यादा स्ट्रांग हो या स्ट्रांग नहीं हो, यदि वो बेस है तो उसका कलर रेडिश हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, आपको साफ दिख रहा होगा। इस इंडिकेटर के हेल्प से हमने पता किया कौन सा सॉल्यूशन बेस है, कौन सा एसिड है और कौन सा न्यूट्रल है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में दिखाया हुआ कोई सा भी प्रयोग आप घर में नहीं कीजिएगा, ये वीडियो बस नॉलेज के लिए है, आप इससे बस नॉलेज गेन कीजिए। आपने देख लिया, पहला वाला जो था ये वाटर था, वाटर का पीएच वैल्यू 7 होता है और ये कलरलेस रहा। दूसरा हमारा जो था वो लेमन जूस था, इसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है। और तीसरा जो था वो हमारा डिटर्जेंट था जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है और ये पिंक कलर का हो गया। उम्मीद है इस वीडियो में सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहा होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है कि किस तरीके से कलर चेंज हो जाता है एक बेस में जब इस इंडिकेटर को हम डालते हैं। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।